लालू जी के तरफ ये कार्ड खेला जा रहा है कि अब जात पात करो, धर्म मजहब करो। 2005 से पहले जब नीतीश कुमार जी सीएम नहीं थे तो बिहार की क्या स्थिति थी, लोग भूले नहीं हैं। हत्या, लूट, अपहरण, इस तरह से मोदी जी को बनने नहीं दिया जाए प्रधानमंत्री, ये लालू जी का कार्ड है और लालू जी ये गेम कर रहे हैं, गेम सफल नहीं होगा। कहीं कोई टक्कर में नहीं है नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में विपक्ष का चेहरा। ललित आनंद को वोट देने से बागमती पर पुल है क्योंकि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। सब लोग लक्ष्य पर निशाना तीर का साधेंगे और तीर से लक्ष्य करेंगे और यहाँ पर कमल खिलेगा देश में। पुनौरा धाम में सीता मैया का सीता मंदिर बनेगा पुनौरा धाम में, ये भी हमारा है मुद्दा। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। इस वक्त हम शिवहर लोकसभा सीट पर मौजूद है जहाँ एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी लवली आनंद है तो दूसरी तरफ आरजेडी की प्रत्याशी रितु जायसवाल है। लवली आनंद मेरे बगल में बैठी, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है मैडम, आप चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ पर जनता ने मन बना लिया है, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी को लाना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे और यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है। हर वर्ग के लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दे रहे हैं और ये पुराना क्षेत्र भी रहा है शिवहर, यहाँ से हमारा 30 साल का लगाव है। जब आनंद मोहन जी को लोगों ने यहाँ पर, वहाँ जनता ने उनको, जब निर्दोष फंसे थे जेल में थे तो यहीं की जनता ने उन्हें 2-2 बार सांसद बनाया शिवहर से, और हमारा भी यहाँ से पुराना रहा है, हम भी यहाँ पर आते जाते रहे हैं। मेरा बेटा भी यहाँ से MLA है शिवहर से, जो लोगों ने यहाँ पर साथ दिया तो बहुत ही अच्छा है और सब जनता ने मन बना लिया। क्योंकि देखिए अभी जो लोगों के पास तो विकास है मुद्दा, कि लोग 2005 से पहले जब नीतीश कुमार जी CM नहीं थे तो बिहार की क्या स्थिति थी, लोग भूले नहीं हैं। हत्या, लूट, अपहरण इस तरह से हो रहा है, व्यापारियों का जो है पलायन, दुकान में लूट, खेत खलिहान में लूट, ये सब लोगों ने भोगा है, देखा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कहीं कोई पुल पुलिया नहीं था। आज महिलाएं भी स्वावलंबी बनी हैं नीतीश जी के समय में भी और देश में नरेंद्र मोदी जी के समय में भी देश आगे बढ़ रहा है। आज बिजली युग आ गया है, आज लालटेन कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो समय में आप याद करिए कि जो गड्ढा था कहीं भी आप पूरे दिन लग जाता था, यहाँ से अगर कहीं हम जाना चाहें सीतामढ़ी जाना चाहें मोतिहारी पटना, आज थोड़ा ही देर में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। बिजली है, पानी है और नौजवानों का जो है रोजगार भी दिया गया, महिलाएं स्वावलंबी हैं क्योंकि जनता ने मन बना ली, देश की जनता ने, और लोग इस बार भारी बहुमत से 400 पार जो है 400 पार जाएगा, इस बार सीट आएगा NDA की झोली में। जी बिल्कुल, आपके सामने आपका टक्कर RJD के प्रत्याशी रितु जायसवाल से, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं कि इस बार तो शिवहर के चुनावी मैदान में वही फतेह करेंगी। अब ये तो जनता मालिक है ना, जनता को चाहिए विकास, चाहिए जनता को रोजगार चाहिए। आज जनता चाहते हैं सत्ता के साथ रहें। जनता अगर मान लीजिए ये डबल इंजन के सरकार यहाँ वोट देगा तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में विपक्ष का चेहरा, तो सब लोग देख चुके हैं और यहाँ वोट देते हैं तो यहाँ रीगा चीनी मिल से लेके जो और भी चीनी मिल है, चकिया है, मोतिहारी, सब खुलेगा, खुलने का चांस है। यहाँ रेलवे लाइन जो है पड़ा हुआ है बरसों से, आनंद मोहन जी के समय में सर्वे हुआ था और बंद पड़ा है, तो मोदी जी बनेंगे नीचे भी सरकार रहेगी तो यहाँ वोट से रेल लाइन को ले, यहाँ वोट देने से लवली आनंद को वोट देने से बागमती पर पुल है क्योंकि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। हमारे साथ पांचों गठबंधन के लोग हैं, BJP हो, JDU तो हाँ है ही, उसके बाद आपको लोजपा है, फिर जाके मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी के लोग हैं। मतलब आज के समय में हमें ये देख करके बहुत खुशी होती है कि जनता को समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, सारे लोग मोबाइल से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से,
सब लोग सजग हो गए हैं, सभी लोग के पास जो है आज महिलाएं इतना सजग हैं, वो लोग कहते भाई गैस सिलेंडर हमको मोदी जी ने दिया, हमको पैसे भी आ रहा है, हमको राशन फ्री में मिल रहा है, हमको नीतीश कुमार जी ने इस तरह से रोजगार दिया, 50% आरक्षण महिलाओं को मिला, 33% देश में मिला, विधानसभा लोकसभा में। तो आज जो है जनता काफ़ी सजग हो गई, काफ़ी समझदार हो गई, और हम जहाँ जाते हैं हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्वतः स्फूर्त लोगों में अपने आप जागरूकता जो आई है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। सारे लोग सजग हैं, देश की जनता जग चुकी है, बिहार की जनता जग चुकी है और शिवहर की जनता जग चुकी है, इसलिए हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर आप शिवहर में चुनाव लड़ रही हैं तो मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा तो मेरा विकास है, विकास तो है ही, और यहाँ पर और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तीसरी बार। तो मुद्दा में आपको है कि जो रीगा चीनी मिल बरसों से बंद पड़ा है उसको चालू कराना है, उसके बाद आपको रेलवे लाइन जो है आनंद मोहन जी के समय में, उस समय रामविलास पासवान जी थे कैबिनेट मंत्री, तो उनके समय में जो सर्वे हुआ है उसको चालू कराना है। आज तक शिवहर जिला में रेल नहीं है, तो सर्वे करके रखा हुआ है उसको चालू कराना है, शिवहर सीतामढ़ी वाया मोतिहारी, तो ये हमारा काम है। सीता मैया का जो धरती है पुनौरा धाम, जहाँ वो उत्पन्न हुई है, वहाँ अयोध्या में जिस तरह से भव्य राम मंदिर बना जो बरसों पुराना था, लोगों का सपना आस्था का प्रतीक मोदी जी के रीजन में बना, उसी तरह का पुनौरा धाम में सीता मैया का सीता मंदिर बनेगा पुनौरा धाम में, ये भी हमारा है मुद्दा। और बागमती पर पुल बनेगा, और जो भी और भी सेंटर से जो भी होगा, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, पहले भी मैं सांसद रह चुकी हूँ वैशाली से, और नबी नगर से मैं विधायक रही हूँ, जहाँ भी गई हूँ काम हुआ, यहाँ आनंद मोहन लालटेन जो है लालटेन के विधायक हैं, लेकिन आप देखिए कि चेतन आनंद के समय में शिवहर में इतना काम हुआ है, ये पूरा लाइटिंग वाला जो है सिस्टम पूरा, यहाँ कभी नहीं था ट्यूब लाइट्स, यहाँ से वहाँ लाइटिंग हुआ है, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कितना रोड पुल पुलिया बिंदी पर 3 ही साल में हुआ है, 32-35 रोड का सेक्शन हुआ, तो भाई उसमें विकास हुआ है, वो विकास किए हैं, जो भी जहाँ जा रहे हैं, चाहे मेरा बेटा हो या चाहे मैं हूँ, आनंद मोहन जी हो, हम लोग विकास के प्रति सजग रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री जी भी हैं विकास पुरुष, प्रधानमंत्री जी भी हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास सारा कुछ है। अब बहुत लोग तो बहुत तरह की बात बोलते हैं, लोग कहते हैं कि सो कलम कलम की बात करते हैं, तलवार की बात, तो आप लोग को पता है आनंद मोहन जी जेल में रह के 3-3, 4-4 किताब लिखी है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, आनंद मोहन जी के दादाजी को भी उसी का गांधी कहा जाता है, और मेरे भी दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और आनंद मोहन जी की लिखी किताब की जो शीर्षक है पर्वत पुरुष दशरथ, वो दशरथ मांझी के जीवन पर आनंद मोहन जी ने जो किताब के शीर्षक लिखे, वो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, ऐसे ऐसे महापुरुष ये जो हैं लेखक कवि कवित्री, उसके साथ उनका जीवन परिचय के साथ हुआ, और 8वीं क्लास में CBSE में पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है। मेरे दामाद जो है UPSC किए हुए हैं, IRTS ऑफिसर हैं, मेरी बेटी लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राम जेठमलानी के अंदर काम की है, और आप जान रहे हैं कि बेटा जो है लंदन से पढ़ के आया है MA करके, और लवली आनंद भी अंगूठा छाप नहीं है, मैं हम लोग ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, मैं भी साइंस के स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद वुमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से पढ़ी हूँ। आनंद मोहन जी इतना पढ़े हैं कि दूसरे को पढ़ा सके, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं कोई भी वैसा, मतलब प्रतिद्वंदी में कहीं कुछ नहीं, इतना ज़्यादा वो पढ़े हैं, इतना लिखा है। अब किसी के बोलने से कुछ कोई होता है क्या? कोई किसी को कुछ भी बोल दे, हम वो सब देखने का हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच रहते हैं, चुनाव में हैं, सुबह से जाके रात तक कौन हमको गाली दे रहा है, कौन कुछ क्या कर रहा है, वो उसी को मुबारक,
जो हमें गाली दे रहा है हम गाली लेंगे नहीं, उसी को मुबारक हो। हम लोग का जो चरित्र है, हम लोग का जो इतिहास है, लोग जान ले समझ ले तब बोले। ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ जो ना समझ लोग हैं, जो बच्ची है उसको ईश्वर ज्ञान दे और उसके बाद बोले, नहीं तो जनता जो है ना 25 तारीख को जवाब देगी, जनता ही जवाब देगी। चलिए, हमारे साथ लवली आनंद थे जिनसे हमने खास बातचीत की है। शिवहर लोकसभा सीट पर ऋतु जायसवाल का सीधा टक्कर लवली आनंद से होगा और इनसे हमने खास बातचीत की। अपने सहयोगी रोशन के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार, झारखंड, शिवहर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।